आज हम बनाने वाले हैं बिस्किट की नए तरीके की रेसिपी और इसे हम बनाएंगे मक्के के आटे से। तो ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होते हैं और खाने में तो एकदम लाजवाब है, तो इसे ट्राई जरूर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर लें ताकि हमारे नए नए वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि ये देखने में कितने बढ़िया लग रहे हैं और इसे बनाना बहुत ही आसान है, 10 मिनट में ही ये बन के तैयार हो जाते हैं। तो इसे आप ट्राई जरूर करें, बच्चों को बहुत ही पसंद आएंगे। तो इसके लिए हमने लिया है एक बाउल मक्के का आटा, तो इसे हमने पहले ही छान लिया था और इतना ही हम गुड़ लेंगे। तो जो गुड़ है उसे हम ग्रेट कर लेंगे या फिर उसे पानी में भिगाकर मिक्स कर लेंगे। तो एक प्लेट पर हमने आटा निकाल लिया है, इसमें हमने थोड़ा सा नमक ऐड किया है, नमक हम ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। इसके बाद 2 चम्मच हम तिल ऐड करेंगे, तिल से इसमें बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो इसे हमने मिक्स कर दिया है और गुड़ को हमने इस तरह से मिक्स कर लिया था, पानी हम ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, यदि ज़रूरत होगी तो ही हम बाद में ऐड कर लेंगे। तो इसे हमने थोड़ा थोड़ा सा ऐड करते जाना है और मिक्स करते जाना है, बस हम इतना ही ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम चेक करेंगे कि ये मिक्स कितना और इसमें ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें हम सारा ही मिक्स ऐड कर देंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो लास्ट में पानी ऐड कर लेंगे। इसके बाद हम इससे डो तैयार करेंगे और डो हमें थोड़ा सा सख्त ही लगाना है, एकदम गीला गीला नहीं लगाना है, नहीं तो जो बिस्किट है वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो इस तरह के आप एक बार ट्राई ज़रूर करें। तो इसे हम थोड़ा थोड़ा सा मिक्स करते जाएंगे हल्के हाथ से और परफेक्ट डो लगाकर तैयार करेंगे। और यहाँ पर हमने मक्के का आटा लिया था, इसमें हमने गेहूं का आटा मिक्स नहीं किया है और इसमें हम थोड़े से और पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो उसी बाउल में लेकर हम इसमें ऐड कर देंगे और घी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया है, बस लास्ट में हम थोड़ा सा 1 चम्मच हाथों में लगाकर मिक्स कर देंगे और ज़रूरत पड़े तो आप 1 चम्मच इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर डो लग के तैयार हो गया है, इसे थोड़ी देर रेस्ट के लिए रख देंगे। इसके बाद हम इसे रोल बनाएंगे और इस तरह से चाकू से कट कर लेंगे, हाथों से तोड़ेंगे तो ये बिखरने लगेगा क्योंकि मक्के का आटा एकदम वाइंड नहीं होता है, तो इसलिए हम इसे चाकू से कट करेंगे और इस तरह से इसे बना लेंगे। तो यहाँ पर आप चाहें तो गोल गोल बिस्किट भी बना सकते हैं या फिर थोड़ा सा सेब भी दे सकते हैं। तो हमने यहाँ पर गोल बनाकर और थोड़ा सा दोनों तरफ से इस तरह से दबाकर स्क्वायर शेप हमने दे दिया है, इससे ये देखने में बहुत ही बढ़िया लगेंगे। तो इस तरह से हम सारे ही बना लेंगे और इन्हें हम बेक नहीं करेंगे, इन्हें हम फ्राई करके बनाएंगे, आप चाहें तो बेक करके भी बना सकते हैं। तो सारे ही हम बनाकर तैयार कर लेंगे और इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा तिल भी लगा देंगे और आप चाहें तो एक साथ बेलकर कट भी कर सकते हैं, पर इस तरह से बनाएंगे तो ये ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। इसके बाद हमने अलग से थोड़ा सा तिल ले लिया था, उस पर इस तरह से हम लगा देंगे और तिल को थोड़ा सा हम गीला करेंगे जिससे कि कढ़ाई में फ्राई करते टाइम ये जगह पर रहे और कढ़ाई में ना निकले। तो इस तरह से हम इसमें लगा देंगे। तो सारे ही बिस्किट में हमने तिल लगा दिया है, तो अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। इसके लिए हमने एक कढ़ाई गर्म कर ली है और कढ़ाई में ऑयल भी हमने ऐड कर दिया है, ऑयल ज़्यादा ऊपर तक नहीं लेना है, बस इतना ही ऑयल लेंगे कि ये थोड़े थोड़े से फ्राई होते जाएँ। ज़्यादा ऊपर तक ऑयल लेंगे तो जो तिल है वो निकल जाएगी और अच्छे से फ्राई भी नहीं होंगे और हो सकता है कि ये कढ़ाई में घुलने लगे, इसलिए हमें ज़्यादा ऑयल नहीं लेना है, बस इतना ही ऑयल लेंगे कि आधे से ज़्यादा ये ऑयल में रहें और ऊपर की तरफ ऑयल ना रहे, बस इस बात का हमें ध्यान रखना है। और पहले हम गैस को थोड़ा सा मीडियम रखेंगे, इसके बाद थोड़ा सा तेज़ करेंगे, फिर मीडियम कर लेंगे, इस तरह से हम फ्राई करेंगे और थोड़े से ये नीचे की तरफ से फ्राई हो जाएंगे तो हम इन्हें पलट लेंगे। इस तरह से हमें 1 स्पून की मदद से इन्हें पलटना है, ज़्यादा इन्हें नहीं हिलाना डुलाना, नहीं तो यह फैलने लगेंगी। इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा सा ऑयल भी ऊपर की तरफ डाल देंगे जिससे कि ये अच्छे से फ्राई होते जाएं और इनका कलर भी बहुत बढ़िया आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बिस्किट जैसे ये देखने में लग रहे हैं और इनका एकदम कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो बस अब हम इन्हें मीडियम गैस पर ही फ्राई करेंगे और इन्हें निकाल लेंगे एक प्लेट पर। तो अभी ये बहुत ही सॉफ्ट हैं तो हम हल्के हाथ से निकालेंगे, इसके बाद आप इन्हें ठंडा होने दें और ठंडा होने के बाद जब आप देखेंगे तो ये बहुत ही क्रिस्पी रहेंगे और अंदर से सॉफ्ट रहेंगे। तो यहाँ पर आप इनका कलर देख ही सकते हैं कितना बढ़िया आया है। तो इस तरह से हमने
सभी को फ्राई कर लिया है और एक प्लेट पर निकाल लिया है, और हमने जो बच गए थे उन्हें भी फ्राई कर लेंगे। और एक हमने इस तरह का लास्ट में बनाया था राउंड शेप में, तो आप चाहें तो इस तरह से भी बिस्किट बना सकते हैं। तो जैसा भी आपको पसंद हो तो आप बना सकते हैं। लास्ट में थोड़ा सा डो ज़्यादा बच गया था तो हमने इस तरह से इसे बना लिया है। तो इसे भी हम सेम इसी तरह से फ्राई करेंगे और इसके बाद एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो देखा आपने कितना आसान है मक्के के आटे से बिस्किट बनाना, और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़्यादा ऑयली भी देखने में नहीं लग रहे हैं और बहुत ही बढ़िया टेस्टी बनकर तैयार हुए हैं। और जो तिल वगैरह हमने लगाई थी वो लगी हुई है, तो इस तरह से ये देखने में भी बहुत बढ़िया लग रहे हैं और बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। तो इन्हें आप ट्राई ज़रूर करें, और रेसिपी पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो इसे हमने मक्के के आटे और गुड़ से तैयार किया है, तो ये बहुत ही हेल्दी है और बच्चों को भी ये बहुत ही पसंद आएगा। बहुत ही क्रिस्पी बढ़िया बन के तैयार हुए हैं, तो इन्हें बना कर रख लें और आप 15 से 20 दिन इन्हें स्टोर भी कर सकते हैं। तो जब भी कुछ मीठा खाने का मन करे और हल्की फुल्की भूख में इसे आप बनाकर खा सकते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कितने क्रिस्पी हैं, हम आपको एक तोड़कर भी दिखा देते हैं। तो ठंडे होने के बाद ये बहुत ही क्रिस्पी हो जाते हैं और बहुत ही बढ़िया लगते हैं। तो अंदर से हल्के से सॉफ्ट रहते हैं और ऊपर से क्रिस्पी लगते हैं, तो ये खाने में तो बहुत ही टेस्टी है और देखने में भी बहुत ही बढ़िया है। तो इन्हें ट्राई ज़रूर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हमारे आने वाले नए नए वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।